विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स, इनमें से बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? इसके बारे में काफी सारे जो लोग हैं वो पूछते रहते हैं कि आखिर बेस्ट पॉसिबल ओएस बताइए 2024 में। तो सोचो कंपेयर करते हैं एक साथ कि आखिर कौन सा बेस्ट है, अब किसके अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं मार्क में मौजूद सबसे पॉपुलर ओएस के बारे में, जो कि विंडोज 11 है। विंडोज के साथ खास बात बताऊं क्या कि यहाँ पे हर एक कंप्यूटर के अंदर आपको देखने को मिलता है। मार्केट में आप जाइए ढेर सारे लैपटॉप मिलेंगे, सबके अंदर विंडोज ही चलता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। और अच्छी बात है कि सस्ते से लेके महंगे तक बहुत सारे प्रोडक्ट है, और जैसा आपका स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉयड है वैसा विंडोज आपका पीसी इंडस्ट्री के लिए है। लेकिन एक बात बताओ विंडोज के साथ क्या है कि जहां पहले कहा जाता था कि विंडोज के अंदर इवोल्यूशन है, नई चीजें बहुत लेट आती है, जब से विंडोज 11 आया ना 6 महीने 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है। जैसे की बात करें विंडोज 11 जब शुरुआत में आया था तब एंड्रॉयड एप्स का सपोर्ट नहीं था, बीच में ये लोग अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का सपोर्ट ले आए, लेकिन आगे चल के अब इसको ड्रॉप यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, वो हुई है एआई की। आज के समय में जो विंडोज है वहां पे आपको प्रॉपर एआई का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका एआई कोपायलट कहते हैं, जिसके अंदर ओपन एआई से टेक्नोलॉजी लिए बिंग सर्चेस को यूज कर सकते हो, और एआई का एक अच्छा इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट वालों का प्लान तो ऐसा है कि इस इंटीग्रेशन को और डीप लेवल लेकर जाया जाए, यानी कि जब फ्यूचर वर्जन आएंगे विंडोज के और जो नए प्रोसेसर्स आएंगे उसके अंदर ये जो एआई होगी वो आपके डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली चल जाए चिप लेवल पे, उसे इंटरनेट से बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, और जो लैपटॉप कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो आप ही के पास रहे। इसके साथ ही बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग के अंदर बात करनी पड़ेगी कि यार आज के समय में सबसे ज्यादा गेम्स विंडोज के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी गेम यहाँ पर खेलना है सारी चीज अवेलेबल है, और किसी भी गेमिंग कंसोल से ज्यादा गेम्स विंडोज प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, ये चीज इसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। और तो और बात करें तो सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी भी ऐसे कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई विंडोज के अंदर, उसका सॉल्यूशन इंटरनेट पे आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, और आसानी से रिपेयर हो सकता है, उसको फॉर्मेट करना, काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर रखी है। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर भी ऐसे हैं कि आप ही सारी चीजें तो आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलती है, और इसका जो यूजेबल लोग रोजाना करते रहते हैं। तो यार ये एक काफी बड़ा एडवांटेज है विंडोज के साथ यहाँ पे, हालांकि कुछ कमियां जुड़ी हुई है। पहली चीज तो है कि सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं। ऊपर से बात की जाए तो काफी सारी ऐसी चीजें जहां पे अगर आप डेवलपर वगैरह है तो वहां पे आप विंडोज का यूज करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वहां पे अगर आपको यूज करना है तो दूसरी चीजों के लिए आपका दूसरे ओएस यहाँ पे बेटर है। जैसे क्रिएटिव प्रोफेशनल के लिए मैक ओएस काफी अच्छी चॉइस हो जाता है, डेवलपमेंट पर्पस के लिए लिनक्स काफी अच्छी चॉइस हो जाता है। इंप्रूवमेंट धीरे धीरे विंडोज के अंदर इतना आ रहा है कि यहाँ पे ये अपने प्रोसेसर्स को भी इंप्रूव करते जा रहे हैं। और फ्यूचर की बात करें विंडोज की तो एआई का तो इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एआरएम डिजाइन भी देखने को मिलेगा विंडोज पीसीज के अंदर। यानी कि बात करें जैसे स्नैपड्रैगन एक्स एलीट आ रहा है, एएमडी कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अपना नया प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करने वाले जो एआरएम टेक्नोलॉजी में बेस्ड होगा। एनवीडिया के जीपीयूज में ऑलरेडी एआई का काफी अच्छा सपोर्ट है, यहां तक कि इंटेल ने अपनी जो ल्यूनर लेक निकाली है उसके अंदर आपको यूनिफाइड मेमोरी मिलती है जैसी आपको एप्पल सिलिकॉन में मिलती है। तो हाँ यार काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के साइड में, और देख के ऐसा लग रहा है कि इस साल विंडोज 11 का एक और वर्जन आएगा जिसके अंदर नई चीजें होंगी, लेकिन अगले साल से विंडोज 12 आएगा तब देखने वाली बात होगी वहां पे क्या रहता है। इसके साथ ही बात कर सकता हूँ एप्पल के बारे में। एप्पल की कहानी आप लोगों को मालूम है क्या? एप्पल का जो मैक ओएस है वो एप्पल के हार्डवेयर में चलता है, और कुछ साल पहले तक एप्पल अपना हार्डवेयर तो बनाती थी लेकिन प्रोसेसर उसमें इंटेल का होता था। 2020 के बाद क्या हुआ, एप्पल सिलिकॉन आई, M1 चिप आई, M2 चिप आई, उसके बाद M3 चिप आई, परफॉर्मेंस बढ़ी, बैटरी लाइफ बढ़ी, चीजें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन जब से माइक्रोसॉफ्ट ने AI के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया और AI इंटीग्रेट करना शुरू किया तब से मैक ओएस वहां पीछे हो गया, क्योंकि एप्पल मैक के पास क्या था कि अच्छी सिक्योरिटी देंगे, टाइट इंटीग्रेशन देंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, ये देंगे, लेकिन AI उसमें थी नहीं। और अब सुनने में आ रहा है कि फ्यूचर वर्जन जो आएंगे मैक ओएस के अंदर उसके अंदर आपको AI देखने को मिलेगी, और जो नई M4 चिप आएगी उस चिप के अंदर आपको एआई का अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिलेगा, और जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं उनको आप डायरेक्टली रन कर पाएंगे यहाँ पे अपने चिप्स के अंदर ही। तो वो काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग होगी देखने वाली कि मैक ओएस उसको किस तरीके से यहाँ पे डिप्लॉय करता है। इसके साथ ही कुछ बातें हैं मैक ओएस के साथ कि यह सॉफ्टवेयर जो भी मैक ओएस के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। ऊपर से बात किया तो बैटरी लाइफ यहाँ पे अच्छी मिलती है, ऊपर से सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम बताऊं कहाँ आती है
यहाँ पे आते कि इसका हार्डवेयर बहुत महंगा है। एप्पल के सॉफ्टवेयर जो रहता है वो एप्पल के हार्डवेयर में चलता है, जिस कारण से मैकबुक महंगा है, आईमैक महंगा है, सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कि अगर आपको मैक यूज करना है तो आपको उनका महंगा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। लेकिन बात यह, अगर आप एक्सपेंसिव एक्सपेंड करेंगे वहां पे तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा और उसका यूज आप बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पे कर पाएंगे। ऊपर से मैक ओएस के साथ अच्छी बात यह कि हर साल ही अपना एक नया इटरेशन, नया वर्जन निकालते हैं, नए फीचर्स को इंटीग्रेट करते हैं। सबसे बड़ी बात एप्पल के साथ है कि अपना इकोसिस्टम लेके चलते, यानी कि अगर आप एप्पल का मैक यूज करते हो तो यहाँ पे आपको आईफोन और आईपैड उसका जो टाइट इंटीग्रेशन होता है वो है। यानी कि आईपैड को आप एक सेकेंडरी डिस्प्ले बना सकते हो मैकबुक के लिए, आईफोन के अंदर कुछ कॉपी किया तो मैकबुक के अंदर उसे पेस्ट कर सकते हो, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है। लेकिन बात है कि इस इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, इसी वजह से ये चीज जो है वो नेगेटिव साइड हो जाता है। एप्पल वालों ने कहा है कि M3 चिप के बाद गेमिंग की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, लेकिन मैं आपको सच बता सकता हूँ आज भी एप्पल मैक विंडोज के कहीं भी नजदीक नहीं है। M3 चिप के बारे में वो कितना भी कह लें, लेकिन अगर एक RTX 4080 वाला लैपटॉप मैंने निकाल लिया यहाँ पे और उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे ना तो यार एप्पल के किसी भी लैपटॉप से ज्यादा रहेगी। तो हाँ यार, गेमिंग के लिए तो अभी उतना तगड़ा यहाँ पर नहीं है, हालांकि क्रिएटिव एप्लीकेशंस वगैरह इन सब के साथ तगड़ा है। और एक खास बात विंडोज और मैक के अंदर ये कि विंडोज के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, काफी सारे फ्री ऑल्टरनेटिव्स भी मिल जाएंगे। मैक के अंदर फ्री ऑल्टरनेटिव लेना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, काफी सारे सॉफ्टवेयर पेड रहते हैं। और अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि छोटे छोटे काम करने हैं ना, उसके लिए भी आप पैसे देके सॉफ्टवेयर लो, यार ये एक चीज है जो अखरती है यहाँ पे, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है यार वो विंडोज के अंदर कमाल की है, उतनी अच्छी लाइब्रेरी मैक ओएस में अभी भी नहीं आ पाई। इसके साथ ही अगर आप मैक और विंडोज लेने में कंफ्यूजन में हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किन सॉफ्टवेयर का यूज करते हो और उनकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पे कैसे। काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो विंडोज के साथ ही होते हैं और विंडोज के अंदर अच्छे तरीके से चलते हैं, तो उसमें तो सिर्फ विंडोज ही ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें एप्पल ऑब्वियसली खुद बनाता है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैक पे मिलेंगे। तो आप सॉफ्टवेयर देखिए कि कहां पर है और ये देखिए कि उसकी कंपैटिबिलिटी कहां पे अच्छी है। इसके साथ ही फाइनली बात करता हूं लिनक्स की। अब लिनक्स कोई ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही ओएस है, अब लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। पहली बात, यहाँ पे आपको उबंटू देखने को मिलेगा, ओपन सोर्स है, लिनक्स मिंट है, हर एक यूज केस के लिए अलग है। और ये चीज थोड़ा सा नॉर्मल यूजर के लिए कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि आम जनता ने यहाँ पे पता है विंडोज सीखा है, और जब लिनक्स की बारी आते हैं तो लिनक्स हमेशा से थोड़ी सी नीश ऑडियंस के लिए होता है। नीश इतना ज्यादा है कि काफी सारे डेवलपर इसे यूज करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स इसे यूज करते हैं, प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। एक अच्छी बात है कि लिनक्स यहाँ पे फ्री है, इसे आप बस डाउनलोड करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और बात की जाए तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में विंडोज से बहुत अच्छा है, और पुराने हार्डवेयर पे भी आप चलाएंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन एक दो बातें हैं यहाँ पे कि काफी सारे सॉफ्टवेयर जो रहते हैं अवेलेबल है लिनक्स के अंदर, लेकिन फिर भी उतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है जितनी आपको यहाँ पे विंडोज के अंदर मिलती है। अगली चीज है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कई बार कुछ लोगों को इंस्टॉलेशन वगैरह कई बार कुछ एरर आ जाए तो उसे फिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मोस्ट केसेस में चीजें ठीक रहती है। गेमिंग की बात करें तो हाँ, नाम के लिए गेमिंग आप लिनक्स के अंदर आप कर सकते हैं, कुछ चीज अवेलेबल है, स्टीम वगैरह भी आप देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ट्रिपल ए टाइटल है वो तो यार विंडोज के अंदर ही मिलेंगे। तो कुछ जगह जहाँ पे दिक्कत आती है लोगों को, कुछ आती है ड्राइवर्स वगैरह के साथ, किसी को कई बार ग्राफिक ड्राइवर या कोई पुराना हार्डवेयर रहता है उसके ड्राइवर्स के साथ कुछ ना कुछ छोटे मोटी दिक्कतें आ जाती है। और अगली जो चीज जो मैंने नोटिस करी है यहाँ पे लिनक्स के साथ कि एक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा आपके लिए कौन सा ये पता लगाना पाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें कहीं जगह अच्छी चलती है, किसी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी लैपटॉप के अंदर बैटरी अच्छी चलेगी, किसी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी लैपटॉप की बैटरी खराब चलेगी। तो ऐसा कोई ब्रूट फोर्स आंसर नहीं कि यार इसके लिए अच्छा है इसके लिए अच्छा है। लिनक्स की बात करें तो ओवरऑल एक नीश सेगमेंट के लिए यहाँ पर बनाया गया है, तो कोई नीश यूजर है जिसकी अगर रिक्वायरमेंट ही वैसी तो उनके लिए लिनक्स एक बेस्ट पॉसिबल ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। वहीं बात करें आम जनता के लिए, सच बताऊं ज्यादातर लोगों के लिए विंडोज एक काफी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां पे उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, गेम खेलना, सॉफ्टवेयर चलाना, जो काम करना आप सारी चीजें कर सकते हो, और बहुत सारा एक अच्छा सपोर्ट भी मिलता है, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ऑनलाइन सर्च करो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और काफी सारे क्रिएटिव प्रोफेशनल के लिए मैक ओएस है यहाँ पे, क्योंकि उसको उसी को ध्यान में के बनाया गया। अपने हार्डवेयर के कारण एप्पल ने अभी भी एक लीड ले रखी है और इकोसिस्टम इसके एक प्लस पॉइंट बना हुआ है। लेकिन इस टाइप का इकोसिस्टम बहुत ही जल्दी विंडोज के अंदर भी डेवलप हो रहा है, विंडोज एंड्रॉइड के साथ पार्टनरशिप करके अपने इकोसिस्टम को और ज्यादा टाइट करने में लगा हुआ है, ऊपर से AI के ऊपर काम कर रहा है, ARM के ऊपर काम कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स बिल्ड कर रहा है जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि एप्पल वालों से कहीं ना कहीं यहां पे कॉपी करे। बाकी लिनक्स तो अपने साथ ही जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। तो दोस्तों यार, ये एक सिंपल सा कंपैरिजन था लिनक्स विंडोज और आपके मैक ओएस के अंदर। बाय द वे, आप लोग यहाँ पे कौन सा ओएस यहाँ पे यूज करते हो नीचे कमेंट बता देना।
थैंक यू आपको वीडियो देखने की, मैं आपको नेक्स्ट वन के अंदर, गुड बाय।